ये अचानक से इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया इस पाखंड ने? क्या बात हो सके? नूतन भाभी, सुबह की चाय तक बनाने नहीं दी और हमें यहाँ जमा होने को बोल दिया, क्यों होने आला से? अरे हम सबने जमा तो कर दिया है, लेकिन मैंने खुद नहीं पता कि तुम सबने क्यों बुलाया है। आने दो भाभी माँ को, उनसे ही पता चल जाएगा। माता कुसुम सुंदरी आ जावे तो खुद ही बता देवे वो। मारे को तो इतना पता से है कि माता ने कोई सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? दोषकृतम पापं दौर्जनम अनर्थम अहोरात्रम मम भय सर्वत्रम। आज आपने ऐसे बेरंग कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ताकि ज्वालापुरी के वासियों की जिंदगी में हमेशा रंग बना रहे बच्चों। सवेरे सवेरे सपना ही कुछ ऐसा देख लिया कि वो बेरंग कपड़े पहनने पे मजबूर हो गए। कैसा सपना माता, हमने भी बताओ। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में ज्वालापुरी की सभी औरतें जमा रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बड़ी खुश है। लेकिन अचानक से आसमान से सफेद रंग की बारिश होने लगती और वो बारिश ज्वालापुरी की सभी औरतों ने अपनी चपेट में ले ली। मैंने बड़ा अजीब सा लगा, सपने का मतलब ना समझ आया, इसलिए घुंघरू वाली मैया का ध्यान किया। घुंघरू वाली मैया बड़ी परेशान थी, उन्होंने कहा कि ज्वालापुरी पे बड़ा संकट आने वाला, ऐसा संकट जो गांव के सारे मर्दों की जान ले लेते। सभी औरतों ने विधवा बना देवेगा। गोपी जी, भाभी माँ, भाभी माँ, हम सबने बचा लो भाभी माँ। हाँ माता, हमने बचा लो, हमारे बच्चे अनाथ हो जावेंगे, बसी बसाई दुनिया उजड़ जाएगी। माता, हमारे आदमी को बचा लो माता। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही घुंघरू वाली मैया के सामने हाथ जोड़ के रोने लगी मैं, उसे भीख मांगने लगी। तब कहीं जाके मैया ने मने रास्ता दिखाया। कैसा रास्ता माँ?
भले ही वो रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो, हम उस पर चलेंगे माँ। अपने सुहाग ने बचाने की खातिर कुछ भी करेंगे। हाँ माता कुसुम सुंदरी, हम कुछ भी करेंगे। हाँ हाँ, हम कुछ भी करेंगे। मुसीबत के वक्त बच्चों को ना बल्कि माँ को परीक्षा देनी पड़े। इस गांव को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मन नहीं करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो शायद पहले कभी किसी औरत ने ना करा होगा। लेकिन मैं कोई साधारण औरत तो ना सुन, शायद इसीलिए घुंघरू वाली मैया ने यो जिम्मेदारी मन ने सौंपी। पर आप ये करने वाली हो भाभी माँ? बलिदान, अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान। माँ कुसुम सुंदरी ज्वालापुरी और ज्वालापुरी की औरतों के सुहाग को बचाने के खातिर अपने सिंदूर की आहुति देगी। बलिदान देगी अपने सुहाग का। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? पीना पड़ेगा बच्चों, जो जहर उनको पीना पड़ेगा। यही तो होता आया, वही करते आए देवी देवता। पिता, और मैं खुश नसीब हूं कि घुंघरू वाली मैया ने इस कठिन काम के लिए किसी और को ना बल्कि मने चुनिया। इतिहास साक्षी है कि पाप और प्रलय का अंत करने के लिए किसी नेक इंसान का बलिदान दिया जावे। और मेरे पति ईश्वर चौधरी से ज्यादा नेक और अच्छा इंसान आस पास के 40 गांव में भी नहीं मिलेगा। घुंघरू वाली मैया का आदेश है कि मेरे पति श्री ईश्वर चौधरी जी ने महासमाधि पे बैठना पड़ेगा।